सोहेगा जी, आज मैं बात करूंगा क्रिप्टो टैक्स के बारे में। अभी मात्र 4 दिन या 5 दिन बचा हुआ है आपको टैक्स फाइल करने में, क्योंकि 31 डे का लास्ट डेट है टैक्स फाइल। अब किसको टैक्स देना है, किसको नहीं देना है और कितना लगेगा, या आप एयरड्रॉप पे मिलेगा, एयरड्रॉप पे जो आपको मिला है उस पर टैक्स लगेगा, या यूटिलिटी किसी ने गिफ्ट किया उस पर टैक्स लगेगा, आपने फ्यूचर ट्रेड किया उस पर टैक्स लगेगा, आपने ट्रेडिंग और विड्रॉल किया उस पर टैक्स लगेगा। सारा चीज़ डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सारा चीज़ आपको ईजी वे में बताऊँगा और किसको लगेगा टैक्स, किसको नहीं लगेगा और कैसे ITR फाइल करना, सारा चीज़ वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहना। और ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत पहले, 1 साल पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था टैक्स के बारे में, और इस बार भी मैं आपको कुछ गाइड बताऊंगा, जो कि कुछ अच्छा गाइड बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे टैक्स से बचने के लिए, और कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी आपको वीडियो मिले, और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वीडियो आए आप सबसे पहले आपको मिले। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा लोड बग ऑफर अपडेट मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ, अपडेट पे बताता हूँ और यूट्यूब पे भी बताता रहता हूँ। तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। अभी देखो हाल में कॉइनबेस के पीछे मैं पड़ गया हूँ, कॉइनबेस बहुत तगड़ा एयरड्रॉप है, अच्छा एयरड्रॉप दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे तो कम से कम लगातार मैं कॉइनबेस पे टेस्टनेट का भी बताया हूँ नीचे देखो, और वहाँ पे आपको कॉइनबेस मेननेट बताया और कॉइनबेस मेननेट पार्ट 3 बताया, तो किसी को मिस मत करो, अभी पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, कॉइनबेस पे तो अभी देखो बहुत सारे एयरड्रॉप में लाते रहता हूँ, सारा एयरड्रॉप को करो, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और किसी भी एयरड्रॉप को मिस मत करो। अभी अरकम प्रॉफिट दे के गया है, तो उसका सेकंड एयरड्रॉप भी आया, उसको भी कर रहा, बहुत सारे एयरड्रॉप में बताते रहता हूँ, तो किसी भी एयरड्रॉप को मिस मत करो। और अभी बहुत सारे एयरड्रॉप का पेमेंट मिलने वाला, जो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो भी हमने किया एयरड्रॉप, वो सबका एयरड्रॉप आपको अभी फिलहाल मिलने वाला है, तो बने रहना प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे आज मैं बताऊंगा टैक्स के बारे में, बहुत लोग कंफ्यूज है कैसे टैक्स पे करना, क्या करना, सारा चीज़। तो उसके पहले आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो तो पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, जो भी आपको अपडेट वीडियो जो भी आपको मिलेगा सारा चीज़ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो। और यहाँ पे बहुत सारा लूट बग ऑफर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलता है, जितना भी प्रॉफिट वाला लूट आता है। मैं सबसे पहले अर्ली मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ, तो किसी भी एयरड्रॉप को मिस मत करो। अभी भी आपको टेलीग्राम पे बहुत तगड़ा तगड़ा एयरड्रॉप मैं दे रहा हूँ, तो किसी भी एयरड्रॉप को मिस करना लायक नहीं है, तो आप इसको 100% करके रखो, और यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी भी हेल्प रिलेटेड आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं, आज जो डिटेल पे मैं बताऊंगा तो ये आपको टैक्सेस के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको टैक्स पे करना है, क्या करना है और कितना परसेंट लग रहा है, किसको पे करना है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर सारा डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। अब मेन चीज़ मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि टैक्स का डेट कब तक आपको पे करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा कितना परसेंट पर लगेगा सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कम से कम 1 अप्रैल 2022 और 23 से आपका लगेगा। ठीक है, और उनका ही लगेगा जिनका इनकम कम से कम 2 लाख, मतलब क्या अगर आपका होल्डिंग अमाउंट है, ठीक है, अगर आपका होल्डिंग अमाउंट जस्ट लाइक है 2 लाख है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2.5 लाख है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख के ऊपर हो, अगर 2.5 लाख 1 रुपया भी अगर आपका आगे हो तो अब आपको पे करना होगा। अगर आपका एयर ड्रॉप में मान लो 1 लाख होल्डिंग है, ठीक है, और प्लस आपका कम से कम 1 लाख होल्डिंग है और प्लस आपका USDT 1 लाख होल्डिंग है, तो दोनों मिला के आपका यहाँ पे कम से कम 2 लाख हो रहा है, और 2 लाख भी हो रहा है तब आपको पेमेंट टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ITR फाइल करना है। ठीक है, अब टैक्स उनको पे करना है जो कि जिनका अमाउंट 2.5 लाख के ऊपर हो, ठीक है, उनको पे करना है। तो मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आपने आपका इनकम मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आपका इनकम मान लो कि 2 लाख है, मतलब कि 1 लाख किसी चीज़ से प्रॉफिट हुआ, आपको टैक्स कैसे पे करना है उसका 30%, तो कम से कम 70 हज़ार आपका प्रॉफिट, 30 हज़ार आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स किस पे देना है, किस पे नहीं देना है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा, और कैसे देना है मैं यहाँ पे वीडियो में क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो टैक्स मतलब जब आप विड्रॉ करोगे तभी टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स विड्रॉ नहीं करोगे तो तब टैक्स आपको नहीं देना होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ITR फाइल आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन एक्सचेंज पे ही आपको लग रहा है, ठीक है, जो इंडियन एक्सचेंज में आपको दिखा रहा था। तो देखो इंडियन एक्सचेंज कौन कौन सा है, बिट करके एक एक्सचेंज है, वो है वजीरेक्स, आपको पता ही होगा, CoinDCS आपको पता ही होगा, CoinSwitch पता ही होगा, ये सब एक्सचेंज पे हम लोग पहले टेलीग्राम चैनल पे आपको मना कर दिए थे कि 1 साल पहले आपको इस पर मतलब कि
काम नहीं करना है, विड्रॉल नहीं करना है, अभी बस इंडियन एक्सचेंज पे आपको पेमेंट देना है। तो अभी बहुत यूजर ऐसे होंगे जो यूवा 0x और कॉइन डिक्सिस और कॉइन स्विच लोगों ने यूज कर रहा है। मैंने ऑलरेडी अपने टीम बैठा रखा है यूएसडीटी सेल बाय के लिए, पर आप हमें कॉन्टैक्ट नहीं करते हो। आप अगर आपके पास फंड है यूएसडीटी आपको सेल करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको सेल करके अच्छे तरीके से आपको बैंक में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो लोग कर लिए हैं इंडियन एक्सचेंज, यही अभी इंडियन एक्सचेंज ही आपको टैक्स देना है। अभी फॉरेनर एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस हुआ, कोकवाइन हुआ, वो एमएक्सी हुआ, ये सब एक्सचेंज पे आपको पैसा देने की अभी वहाँ पे अभी टैक्स फाइल नहीं करना है, क्योंकि अभी वहाँ पे उसका वो मेंशन किया हुआ है ही नहीं। ठीक है, अगर आपने वो 0x पे किया है, कॉइन डीसीएस पे किया है, कॉइन स्विच पे किया है, और बिट पे आई होप नहीं किया होगा, इतने एक्सचेंज पे आपने किया है तो आपको टैक्स फाइल अभी 31 से पहले कर देना है, अबव 2.5 लाख के ऊपर हो तब। ठीक है, अब कैसे फाइल करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले आपने वो 0x पे किया है तो वो 0x खोलना। ठीक है, तो यहाँ पे वजीर एक तो आई होप बहुत कम लोग का हो, और वजीर एक खोलो तो अपने आईडी लॉगिन करना ना, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो वजीर एक से अपना अकाउंट अपना लॉगिन करना, और अकाउंट लॉगिन जो करना आप वेबसाइट पे करना, ना कि आप कहीं और करना। मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूँ और यहाँ पे 251 इंटर प्रोफाइल में आओगे, यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग में आना और यहाँ पे आओगे, जैसे नीचे आपको टैप करना होगा, जैसे नीचे आओ तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रिपोर्ट पे आना। ठीक है, मैं इतना जूम इसलिए किया हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर शो करेगा, तो डाउनलोड रिपोर्ट पे आओ। तो यहाँ पे आपको क्या टैप करना है, डाउनलोड रिपोर्ट पे आने के बाद ट्रेडिंग रिपोर्ट पे टैप करना है, ट्रेडिंग ऊपर वाला। ठीक है, जैसे टैप करो तो यहाँ पे करंटली मंथ होगा, तो यहाँ पे आपको 22-23 करना होगा, फिर यहाँ पे जितना भी आपको सिलेक्ट करना है। अब इसका क्या मतलब, आपने एक्सचेंज में P2P किया हो तो वो आ जाएगा, OTC ट्रेड मतलब कि ऑनलाइन ट्रेड जो भी आपने सेल बाय किया होगा, और यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ किया होगा, और यहाँ पे करेंट बैलेंस क्वाइन बैलेंस कुछ आपने किया होगा, और किसी को बैलेंस ट्रांसफर किया होगा, तो होगा। मैं सब सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं किया हूँ और 2022 और 23 के बीच में आपने नहीं किया था, आराम से रहो, आपको फाइल नहीं करना है। यहाँ पे चेक कैसे करना है वो चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर टाइप करना, और जैसे करो तो यहाँ पे ओके पर टाइप करना, और यहाँ पे आपके ईमेल पे 2 से 3 मिनट के अंदर में आपके यहाँ पे मेल पे आ जाएगा, मैं अपना चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो वजीरेक्स का मेरे पास आ गया है, जो साइन अकाउंट, और यहाँ पे कुछ देर में आ जाएगा, मैं वेट कर लेता हूँ तब तक। और यहाँ आ गया देखो डाउनलोड योर वजीरेक्स, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करके आ गया, नीचे आना आपको एक फाइल होगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको डाउनलोड कर लेता लिंक दें, जहाँ आप एक बार अपना फाइल डालकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना क्वाइनवे करके क्वाइनली करके, और यहाँ पे अपना अकाउंट कौन साइन अप करना। ठीक है, मैं अपना अकाउंट साइन अप कर लेता हूँ, और यहाँ इंडिविजुअल करना, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना। ये आपको क्वाइनवे ऐसा वेबसाइट है जहाँ आपको ट्रैक करके सब कुछ डिटेल बता देगा, आपको कितना पे करना है, क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स प्रोफाइल ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सचेंज है, किसी भी एक्सचेंज का आपको देखना है तो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्वाइनवे के बारे में ऑलरेडी मैंने 1 साल पहले ही बताया था। अब यहाँ पे मेरे पास वजीरेक्स है, तो आपने यहाँ पे आपको वजीरेक्स सर्च करना है, और यहाँ पे बाइनेंस का है, पर अभी बाइनेंस का पे नहीं करना है। ठीक है, आपको बता दूंगा, यहाँ पे वजीरेक्स में लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ, और यहाँ पे इम्पोर्ट फाइल, जो आपने फाइल डाउनलोड किया वही फाइल आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल यहाँ पे ओपन गाइड होगा, और यहाँ पे आपको ड्रॉप योर फाइल, जो फाइल आपके पास हो, यहाँ पे मेरा फाइल ट्रेड आ गया वजीरेक्स का, और यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, अब ओपन करने के बाद ये मैं अपलोड हो गया, यहाँ जैसे अपलोड हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ पे आप बस चेक कर सकते हो आपने आपका कितना फाइल हुआ। तो मैं अपने वजीरेक्स से चेक करूंगा, वैसे ही आपको क्वाइन डीसीएस से चेक करना है, वैसे ही आपको कॉइन डीसीएस और कॉइन स्विच ऐसे ही करना है। मैंने तो कभी वो कॉइन स्विच ज़्यादा यूज नहीं किया। अब आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ टाइम जोन में कुछ भी लगा देना, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे इंपोर्ट करो तो आपका कितना जो भी होगा आपका यहाँ पर सामने दिख जाएगा। ठीक है, मेरा इंपोर्ट हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा, मेरा हो गया। अब यहाँ पे बैक टू वॉलेट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेरा 4 एडेड है। अब यहाँ पे बैक टू वॉलेट पे आते हैं, और यहाँ पे जो भी आते हैं तो यहाँ पे टैप करते हैं वो वजीरेक्स पे, और जैसे यहाँ से टैप करना है, जैसे टैप करोगे तो मेरा वॉलेट खुल जाएगा। वॉलेट पे आओ तो यहाँ पर देखो 2 रुपया, तो मुझे पे नहीं करना है। और यहाँ पर 4 डिपॉजिट है, फाइनल यहाँ पर 2 रुपया दिख रहा है, मेरा होल्डिंग 2 रुपया दिख रहा है, ये मत समझो पे नहीं करना है, होल्डिंग 2 रुपया दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिख रहा है, कितना ट्रांजेक्शन है, तो 4 ट्रांजेक्शन है, 4 ट्रांजेक्शन में कितना कितना रुपया मैंने क्या क्या किया है ट्रांजेक्शन, तो 1-1 रुपया, 2-2 रुपया। अब बताओ इनकम क्या है इतना कम, इसलिए मैंने वजीरेक्स को यूज करना ही मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वॉलेट पर टाइप करोगे, वॉलेट पर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको वजीरे तो फिर से टैप करना, टैप करने के बाद यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा, फिर आपने ट्रांजेक्शन दिखा होगा, मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे व्यू हिस्ट्री दिख रहा हो, तो यहाँ पे मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया और क्या क्या किया, सब कुछ मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्योंकि मैंने 1 साल पहले यूज करना ही इसको छोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो कि मैंने ट्रांजेक्शन किया था, और यहाँ पर डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट मैं ऑलरेडी ज़्यादा नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो कितना कम है, कुछ नहीं है।
ठीक है। वैसे ही आपको क्वाइन स्विच में भी चेक करना है, देखो कब में लास्ट में यूज कब किया था, ये तो इनकम आपको मिलता है वो अलग चीज़ है, लास्ट में कब यूज किया था, सितंबर को 22 2022 है कुछ किया था वैसे ही, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसको यूज नहीं करता, तो इतना समझ लो कि आपके पास ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं शो कर रहा, मेरे पास देखो 1 1 रुपया 2 2 रुपया शो कर रहा है, इसका कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से वॉलेट पर टैप करोगे, वॉलेट पर टैप करने के बाद फिर से अच्छे से वो देख लेना कि आपका कुछ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होल्डिंग होल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर डिपोजिट क्या है और ट्रांजेक्शन क्या है, मैंने आपको चारों चेक करके दिखा दिया, यहाँ कुछ नहीं है, व्यू हिस्ट्री में भी देख लेना, और यहाँ पर आपको नो ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, तो यहाँ आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अप्रैल 12 2022 से लेकर 10 मार्च 2023 तक मेरा ट्रांजेक्शन शो किया, जो कि मेरा कुछ भी नहीं है, 1 1 रुपया 2 2 रुपया का इनकम है। ऐसे ही आपको सब कुछ चेक करना है। अब आपको फाइल कैसे करना है, वैसे ही आपको इसका चेक कर लिए, क्वाइन स्विच का कर लिए, वजीरे से चेक करिए, वैसे ही आपको यहाँ पे आपको चेक करना है अपना क्वाइंसिस क्वाइन बीच और जो भी आपको सर्च करना है चेक कर सकते। तो मैं देखो 2 2 रुपये का इनकम टोटल वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे फाइल करने की जरूरत नहीं है इंडियन एक्सचेंज में, अभी फॉरेनर एक्सचेंज का जो भी है उसके आएगा तो उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। अब रहा बात कि टैक्स कैसे फाइल करना, उसके लिए मैं आपको एक डॉक फाइल लिंक दूंगा। अब यहाँ पर टैक्स कैसे टैक्स आपको फाइल करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैसे वजीर एक्सर चेक करना है, क्वाइन स्विस का चेक करना है, क्वाइन स्विस का चेक करना है। अब आपने आपका मान लो कम से कम बहुत यूजर का होगा जो कि सेल बाय करते होंगे, तो मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे टेलीग्राम पर होगा तो आपको बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना मैं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कैसे चेक करना है, मैंने तो देखो कितना कम है, मैं और भी एक्सचेंज का चेक करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज कि आपको कैसे अब ये करना है, मतलब कि टैक्स कैसे फाइल करना। अब देखो टैक्स फाइल, अब बहुत यूजर ऐसे होंगे, मम्मी पापा और किसका किसका, तो आईडी यूज करके और यहाँ पे पैन कार्ड यूज करके वजीर एक्स में और अकाउंट बनाओगे, तो आप गलत काम कर रहे हो। आपको ना अपने पापा का ही पैन कार्ड डालना होगा, ठीक है, और आपका मम्मी का ही पैन कार्ड डालना होगा, और बहुत यूजर ऐसे होते हैं जो खुद का नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलती की है, आज आप अगर आपको टैक्स फाइल नहीं किए करोगे तो कुछ आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं का पैन कार्ड डालना जो आपने वजीर एक्स में ऐड किया था, तो मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ आपका लिखेगा पैन कार्ड डालो, तो यहाँ पे बोलेगा रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर पहले आपको कर लेना होगा, फिर यहाँ पे जो भी आपका है रजिस्टर यहाँ पे टैक्स पेयर करके, तो यहाँ पे अपना रजिस्टर डाल देना पैन कार्ड, ठीक। फिर यहाँ पे वैलिडेट पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ वैलिडेट पे टैप करो तो पैन कार्ड वैलिडेट सक्सेसफुल लिख रहा है, और यहाँ पे टैक्स पेयर पीएस पे टैप करना, आई कंफर्म आई इफ यू वांट टू रजिस्टर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, फिर कंटिन्यू पे टैप करना। जैसे कंटिन्यू पे टैप करोगे तो यहाँ पर सब कुछ खुल जाएगा, यहाँ पर नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये जो भी है आप अपना डाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पे पहले आपका आईडी वाईडी सेट करना है, उसके बाद आपका पे मेल उल पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा, प्रीफिल डिटेल होगा, फिर वेरीफाई हो जाएगा, और यहाँ पे सिक्योर आपका अकाउंट होकर फिर लास्ट में आप पेमेंट कर सकते हो। अब कैसे करना है सारा चीज मैं प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो कम से कम 1 घंटा का बन जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको डॉक फाइल का लिंक दे दूंगा, जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताया हुआ कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अकाउंट कैसे डालना है, क्रिप्टो टैक्स कैसे फाइल करना, सारा डिटेल ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ, यहाँ से आप फाइल कर सकते हो अगर आपका फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आईटीआर आप फाइल कर सकते हो, तो ये सिंपल चीज़ है, सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है, इसलिए मैं आपको इसके कारण अभी बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप का लिंक दे दूँगा कैसे आपको फाइल करना है, क्या करना है, और यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे निकालना, अगर आपका टीडीएस में कटा हुआ तो आपका वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से फाइल करके आराम से रह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स फाइल करने का और कैसे चेक करने का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप तो यहाँ से चेक कर सकते हो, मैं सबका लिंक नीचे दे दूंगा। अब रहा बात कैसे आपको यहाँ पे अब बचना है आपको, ठीक है। अब ये जितना भी मैंने बताया ये इंडियन एक्सचेंज लोगों के लिए है, अब ठीक है। अब फॉरेनर का जो भी अपडेट आएगा, जब अब बाइनेंस का होगा जो भी होगा, तो मैं आपको इस पर एक और वीडियो दे दूंगा। अब रहा बात इस पर कैसे बचना है, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बचना तो वो बताऊंगा आगे में, और कुछ बताता हूँ। तो यहाँ पे किसी को इसको पे करना है, जैसे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, मतलब बचना कैसे है, फ्यूचर ट्रेड कर उससे बच जाओ, फ्यूचर ट्रेड मत करो। लोग थोड़ा सा $10 लगाते हैं, उसको $100 बनाते हैं, $100 तक आपका तो प्रॉफिट हुआ ना, तो वो प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा आपको एक टैक्स के दायरे में 30%। अब रहा बात, लोग बोलेंगे गिफ्ट जो मैंने पे कर रहा हूँ, गिफ्ट मैं ले रहा हूँ, जैसे ना होता है ना कि मैं किसी को गिफ्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है, गिफ्ट वाला ले रहा हूँ, तो गिफ्ट आपको किस दायरे में आएगा, तो वो आपका 50,000 के ऊपर होगा तो वो आपको टैक्स पे करना होगा। गिफ्ट अगर किसी से रिसीव कर रहे हो या ले रहे हो तो 50,000 के अंदर होगा तब आपका उसको टैक्स नहीं देना है, 50,000 के ऊपर हो तो उसको आपको टैक्स देना है, ठीक है। और रहा बात एयर ड्रॉप और माइनिंग से और स्टेकिंग से, और यहाँ पे जो भी आपका
इससे प्रॉफिट हो रहा है, उस पर टैक्स लगे कि नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर आपका ये जो भी रिसीविंग अमाउंट हो रहा है उस पर आपको टैक्स लगेगा, रिसीविंग अमाउंट जैसे आप एयरड्रॉप से कर रहे हो और यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो एयरड्रॉप पे भी लगेगा, माइनिंग पे भी लगेगा, स्टेकिंग पे भी आपको यहाँ पे लगेगा। अब रहा बात कि यहाँ पे आप बाय सेल जो कर रहे हो तो उस पर भी लगेगा, सब पे लगेगा। अब रहा बात गिवे वे, मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे एक और चीज कि आपको बचना कैसे है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे मैं तो डैक्स यूज कर रहा हूँ, मैं तो ये यूज कर रहा हूँ, मैं बच जाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे आपने देखो आपके अपने पर आपको आप मेटामास्क यूज कर रहे हैं, बहुत लोग मेटामास्क में फंड रखे हुए हैं, और अभी आप एमएक्सी मेक्सी कोकॉइन कोइन में भी रख सकते हो। कोकॉइन में KYC लग गया, कोकॉइन मत रखना। अब बोलोगे ना कि भैया मैं तो डैक्स यूज कर रहा हूँ, मैं बच गया, डैक्स में अपना पूरा फंड रखा है USDT में। पर एक बात ध्यान से रखो, अगर आप डैक्स यूज कर रहे हो, कभी भी गलती से भी आप बाइनेंस में फंड भेजे एड्रेस डाल के, तो गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगा। फ्यूचर में अगर बाइनेंस से टैक्स लिया तो ट्रैक कर लेगा कि आपने इस एक्सचेंज पे भेजा, उसका एड्रेस के माध्यम से आपको लिंक के ट्रैक कर लेगा। बस इतना ध्यान रखो, आपने मेटामास्क लिया, एक जगह लेकर रख लिया, तो ठीक है, तो उसको आप सेंड रिसीव मत करो। आप एक साल में बाद सेंड करोगे, रिसीव करोगे, तो यहाँ पे आप किसी का एड्रेस डाल के आप वहाँ पर डालोगे तो आपका यहाँ पे ट्रैकिंग में आ जाएगा। तो बस मैं यही बोलूँगा कि न्यू मेटामास्क का अकाउंट बनाओ और उसमें फंड रखो, और उसको एक लेजर वॉलेट की तरह यूज करो। अब देखो लेजर वॉलेट होता क्या है, आप यहाँ पे बाइनेंस उनेंस क्या बोलते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर लेजर वॉलेट ले सकते हो, अगर आपके पास फंड $2,000 के ऊपर है, वहाँ पे फंड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात बहुत सारा आपको डेक्स वॉलेट है, जैसे सेपल हुआ, यहाँ पे आपको यूनिसेफ हुआ, यहाँ पे सब फंड आप रख सकते हो, यहाँ पे आपका फंड सेफ है। पर याद रखना, कभी भी फंड रखोगे मेटामास्क में तो आपको यहाँ से एक्सचेंज में नहीं भेजना है। आप वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हो, पर एक्सचेंज मतलब बाइनेंस में कॉइन DCS में इस समय आपको भेजना नहीं है, नहीं तो आपका वॉलेट ट्रैक हो जाएगा मेटामास्क का। और एक और बात कि यहाँ पे आपको फंड रखना है तो किसी को भेजना नहीं है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको यूटिलिटी सेंड सेल करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको डायरेक्ट बैंक को दिलवा देंगे, मेरे पास टीम बैठा हुआ, वो टीम सारे टीम ने टैक्स पेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी सेल बाय करना तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। और रहा बात ये वीडियो मैंने बताया बस कॉइन DCS इंडियन एक्सचेंज के बारे में बताया, और अभी बस फ्यूचर में आपको अगर बाइनेंस वाले पे टैक्स लगेगा तो उस पर मैं आपको डिटेल कवर करके बता दूंगा। और यहाँ अभी बस इंडियन एक्सचेंज को टैक्स पेयर करना है, कैसे मैंने टैक्स के बारे में बताया तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा, और कैसे पे करना मैं सबका लिंक दे दूंगा कैसे टैक्स पेयर किए होंगे। और बहुत लोग अभी भी WZIRX यूज करते हैं। अब मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेन एक्सचेंज भी बंद कर दो यूज करना, जैसे बाइनेंस हुआ ये सब हुआ, तो आप इसको यूज करना बंद कर दो कम से कम, ठीक है। अब बहुत सारा आप बोलोगे भैया मैं अगर बाइनेंस यूज बंद करना कर दूंगा तो मैं स्वैप कैसे करूंगा BNB में, और कैसे सेल करूंगा, क्या करूंगा सब कुछ, तो उसके लिए मैं देखो सबसे पहले बात आपको स्वैप करना किसी भी एक्सचेंज में, आपके पास मेटामास्क में फंड है, ठीक है। तो आप Layer0 लेयर स्वैप एक वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पे गूगल पर सर्च करोगे लेयर स्वैप, यहाँ पे जैसे आगे मैं बहुत बार इसके बारे में बताया भी है, तो यहाँ पे आने के बाद किसी भी फंड कहीं से भी आप स्वैप कर सकते हो। अगर मान लो आपको जेके सिंह एरा चाहिए, आपके पास इथेरियम में फंड है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अरे आपके पास आर्बिट्रम भी है, अरे इथेरियम में फंड है, तो यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करो, और आपको यहाँ पे जेके सिंह एरा चाहिए, जेके सिंह एरा सर्च करो, और ये मिनिमम अमाउंट 0.003 है, यहाँ पे टैप करो और यहाँ पे एड्रेस अपना डालो, किसी भी वॉलेट का एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ डालो जिसमें आपको रिसीव करना है, फिर यहाँ पे मिनिमम अमाउंट डाल के यहाँ पे आपको स्वैप करोगे, आपका 2 से 3 मिनट के अंदर में आ जाएगा। अब किसी भी एक्सचेंज का आप स्वैप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई ट्रैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं है। और रहा बात आपको कुछ सेल बाय करना है, USDT सेल करना और बाय करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो। अगर आपके पास एयर ड्रॉप से कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो अरकम का प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट अरकम आप मुझे भेज दो, मैं आपको डायरेक्ट बैंक पे पैसा दे दूंगा, कोई ट्रैकिंग नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखो, कुछ भी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। चैनल पे हो, टेलीग्राम पे आओ, यहाँ पे आपको मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर दूँगा। कुछ भी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पे आओगे तो मुझे यहाँ पे यूजीनेम पे सर्च करो और मुझे आकर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हर एक चीज का रिलेटेड हेल्प कर दूंगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना, एक बार याद करना जरूर।